Hello everyone, welcome to my channel Physics Venue. Today we are going to discuss about PN junction diode. So listen carefully. एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। बेसिकली पीएन जंक्शन होता क्या है, जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से जॉइंट कर देते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पी टाइप में होल्स हो गए और एन टाइप में हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या, जब ये होल्स एन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर होल्स की एक्सेस हो जाएगी, जिसकी वजह से एन टाइप पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पी में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो होगा क्या, कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूज़न की वजह से, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूज़न की वजह से ये एक लेयर क्रिएट होती है, जिसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। होल और इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूज़न की वजह से एक लेयर क्रिएट होती है, जिसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ये एक डिप्लीशन लेयर बना लेंगे। तो अब जब ये लेयर बना लेंगे तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब इनकी मूवमेंट रुक जाएगी, जब होल्स, तो इस डिप्लीशन लेयर की वजह से क्या होगा, जब ये होल्स एन की तरफ जाएंगे, ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को रिपेल कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होता है, तो एक बैरियर क्रिएट होगा और हमें पता है, और इनकी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो इस यहाँ पे बैरियर क्रिएट हुआ, तो हमें यहाँ पर इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए यहाँ पर जो बैरियर वोल्टेज लगा हुआ है, या तो जितना वोल्टेज लगा हुआ है उतना या फिर उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर वोल्टेज 0.9 वोल्ट लगा हुआ है, तो वोल्टेज हमें या तो 0.9 वोल्ट लगाना पड़ेगा या फिर उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब भी हमारे होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे और तब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ आ पाएंगे। तो इसे हम बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। जैसे कोई बैरियर है, अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग बैरियर है तो इस पर हमें स्ट्रॉन्ग ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये बैरियर टूट सकेगा। और अगर कोई वीक बैरियर है तो इस पर हमें वीक फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पे जब हम 0.9 वोल्ट लगाएंगे, 0.9 वोल्ट का बैरियर है, तो यहाँ पे हमें 0.9 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा वोल्ट का ही बैरियर लगाना पड़ेगा, बैरियर वोल्टेज, जिसकी वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो सकेगी। तो इसे हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। और पीएन जंक्शन का सिंबल ये होता है,
पीएन जंक्शन का सिंपल ही होता है। अब एक डिप्लीशन लेयर होती है जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन से होती है, उसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। अब आगे इसमें एक वर्ड आता है बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है? बाइसिंग होती है जब हम पीएन जंक्शन को एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो उसे हम पीएन बोलते हैं बाइसिंग। देखो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव। ये हो गई डिप्लीशन लेयर, ये हो गई डिप्लीशन लेयर। अब ये हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। जब हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये इसकी बायसिंग हो जाएगी। तो इसे हम बायसिंग बोलते हैं। बायसिंग भी टू टाइप्स की होती है। बाइसिंग भी टू टाइप्स होती है। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकेंड इज रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है? जब हम पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जब हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो वो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग बिल्कुल उल्टी है, जब हम पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो वो होती है रिवर्स बाइसिंग। अभी हमने बाइसिंग के छोटे छोटे तरीके से पढ़ लिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन बायसिंग की, रिवर्स बायसिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।